हेलो एवरीबॉडी, लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर आवर अर्थ एंड सोलर सिस्टम। ओके, अब हमारा है टॉपिक एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? आजकल तो ये बहुत वर्ड यूज हो रहा है, रोज देखो तो आप गूगल पे भी अगर आप सर्च करो तो ये एस्टेरॉइड अर्थ के इतने पास से निकल गया, ये सब आ रहा है काफी। अब एस्टेरॉइड्स होते क्या है? एस्टेरॉइड्स जो है स्मॉल प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है, हेवनली बॉडी, स्मॉल प्लैनेट्स लाइक हेवनली बॉडीज होती हैं, मतलब बड़े बड़े चट्टान के टुकड़े जो हमारी रॉक्स अर्थ में मिलती है ना, उससे ये काफी बड़े होते हैं, जो सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं। और ये बेसिकली सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, मार्स और जुपिटर की जो ऑर्बिट्स है ना उनके बीच में, वहां मिलते हैं, मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट के बीच में मिलते हैं। देखो, दे आर लार्ज पीसेज ऑफ रॉक फ्लोटिंग इन स्पेस, वही बात आ गई कि बहुत बड़े रॉक होते हैं, जैसे लग रहा है कि स्पेस में वो तैर रहे हैं। मोस्ट ऑफ देम आर लोकेटेड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, दिस एरिया ऑफ द स्पेस इज नोन एज एस्टेरॉइड बेल्ट, और जहां ये मिलते हैं उसको हम एस्टेरॉइड बेल्ट्स कहते हैं, ठीक है जी। इनके अभी दे आर ऑल्सो नोन एज प्लैनेटॉइड्स एंड माइनर प्लैनेट्स। साइंटिस्ट बिलीव दैट एस्टेरॉइड्स आर द ब्रोकन पार्ट ऑफ प्लैनेट्स, मतलब साइंटिस्ट को ये लगता है कि जो पार्ट हमारे ये चार आपके शुरू के आपने पढ़े ना, ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, ये रॉक्स से बने हैं, तो उन्हीं के ये टुकड़े जो हैं टूट जाते हैं प्लैनेट से ही, बड़े बड़े रॉक्स के, और वही एस्टेरॉइड बनते हैं। नेक्स्ट आपका है मीटियोर्स। तो नाइट में कहते हैं ब्राइट स्ट्रीक ऑफ लाइट अक्रॉस द स्काई, ये देखो जैसे पिक में दिख रहा है कि अचानक से रोशनी चमकती हुई दिखती है विद ग्रेट स्पीड, ये क्या होते हैं? मीटियोर्स होते हैं, और इनको हम क्या कहते हैं? शूटिंग स्टार। ओके जी, अब एक होता है मीटियोर्स, एक होता है मीटियोराइट्स, ठीक है जी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्चुअली ये क्या होता है, कोई भी रॉक हो गया, मीटियोर्स होते हैं स्मॉल पीस ऑफ रॉक होते हैं। अब रॉक्स के चट्टाने होती हैं, मतलब छोटे छोटे चट्टानों के पीस होते हैं, छोटे भी इतना नहीं, पत्थर जितने आप समझो, बड़े ही होते हैं थोड़े। अब रॉक का एक टुकड़ा टूट के अर्थ के एटमोस्फेयर में एंटर करता है, तो आपको पता है हमारे अर्थ में एटमोस्फेयर है, एयर प्रेजेंट है, तो जब वो अर्थ के एटमोस्फेयर में एंटर करते हैं तो ड्यू टू फ्रिक्शन वो बर्न हो जाते हैं, और ये ब्राइट स्ट्रीक ऑफ लाइट प्रोड्यूस होती है, तो उसको तो हम कहते हैं शूटिंग स्टार या मीटियोर्स। और जो पूरी तरह से बर्न नहीं हो पाते और अर्थ के सरफेस पे आके गिर जाते हैं तो उनको हम कहते हैं मीटियोराइट। अभी आप मून में पढ़ोगे, मून में बड़े बड़े क्रेटर्स हैं, है ना, मून में आप पढ़ चुके हैं, हाँ, बड़े बड़े क्रेटर्स हैं, तो वो क्यों है वो क्रेटर्स? क्योंकि मून का कोई एटमोस्फेयर नहीं है, तो ये रॉक जो होते हैं ना मीटियोर, ये वहां पे गिरते हैं, मून के सरफेस पे बहुत तेज टकराते हैं और वहां पे ये क्रेटर्स कर देते हैं। ओके, लाइक मैनी हेवनली बॉडीज दे डू नॉट रिवॉल्व अराउंड सन, कहते दूसरी हेवनली बॉडीज जो आकाश मतलब आसमान में हो गई, हेवनली बॉडीज सन के चारों ओर घूमती हैं, ये वैसा नहीं कर दे रिवॉल्व अराउंड द सन, ये भी सन के चारों ओर घूम रहे होते हैं। लाइक मैनी हेवनली बॉडीज दे ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन, दे कैन नॉट बी सीन एज दे आर वेरी स्मॉल, लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं। द मीटर्स कैन बी सीन इन द स्काई ओनली वेन दे एंटर्स द अर्थ एटमोसफेयर, कहता जब ये अर्थ के एटमोसफेयर में एंटर करते हैं इन्हें तभी देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम बर्न अप एंड बिकम गैस, बहुत सारे जल जाते हैं और गैस, लेकिन कुछ बिग मीटर्स डू नॉट बर्न अप कम्प्लीटली, पूरी तरह से नहीं जलते, दे रीच द सर्फेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सर्फेस पे पहुंचते हैं और उसे हम कहते हैं मीटोराइट्स। When they hit the earth, they create large depression known as crater. और जब ये अर्थ से टकराते तो बहुत बड़ा गड्ढा बना देते हैं, ये देखो बहुत बड़ा गड्ढा जिसे हम कहते हैं क्रेटर। Many such crater are found throughout the world. बहुत सारे वो है, इनमें से फेमस जो है वो रामगढ़ राजस्थान में है और एरिजोना यूएसए के एरिजोना में है। द क्रेटर एरिजोना इन यूज लार्जेस्ट नोन क्रिएटर, एरिजोना में ये जो क्रिएटर बना, ये देखो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिएटर क्रेटर है, ठीक है, सबसे बड़ा क्रेटर है ये जो आपका एरिजोना में क्रेटर बना है।
मैनी मेटोराइट्स हैव बीन कलेक्टेड बाय साइंटिस्ट. अब साइंटिस्ट ने ये बहुत सारे मेटोराइट्स को कलेक्ट किया है. क्यों? दे आर यूजफुल इन द स्टडी ऑफ सोलर सिस्टम. क्योंकि सोलर सिस्टम के बारे में हमें जानना है तो ये बहुत हेल्पफुल होते हैं. और इन मेटोराइट्स में क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन. मैक्सिमम उन्होंने ये देखा जितने भी हैं सब में आयरन बहुत ज्यादा है. अब कॉमेट्स, कॉमेट्स आपका सेलेस्टियल बॉडीज मेड अप ऑफ स्नो एंड डस्ट, रॉकी डस्ट. तो ये इनसे बना है, स्नो रॉकी डस्ट से. ये भी सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है इन इट्स ऑन ऑर्बिट. व्हेन दे कम कॉमेट्स रीच नियर द सन, जब ये सन के पास पहुंचते हैं, डेवलप अ लॉन्ग टेल दैट स्टार्ट ग्लोइंग. एक बहुत लंबी इनकी टेल निकल आती है जो ग्लो करती है. ये देखो, ओके, ग्लो करती है. द टेल इज थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर लॉन्ग, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर लॉन्ग. इन द पास्ट पीपल कंसीडर कॉमेट्स एज वेड ओवन, बुरा अपशगुन मांगते थे. अगर कॉमेट आ जाता है ना तो अपशगुन मांगते थे लोग उसे. साइंटिस्ट बिलीव दैट देयर आर अबाउट 2 बिलियन कॉमेट ऑर्बिटिंग द सन. और साइंटिस्ट ये मानते हैं, उनका ये विश्वास है कि लगभग 2 बिलियन कॉमेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में. अब जो हम जानते हैं वो हम जानते हैं फेमस हेलीज कॉमेट, और ये हर 76 ईयर्स के बाद हम इसे देखते हैं. और लास्ट में ये कब दिखा था, 1986 में. अब 1986 के बाद आप लगाओ 76 ईयर्स कब होंगे, ये तब जाके दिखेगा. देयर आर सम कॉमेट्स दैट टेक एवर मोर टाइम देन हेलीज कॉमेट टू ऑर्बिट द सन. और कुछ कॉमेट्स हैं जिनका टाइम पीरियड हेलीज कॉमेट से भी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हमें ये दिखते नहीं है. एक जब जिंदा है तो अपने लाइफ पीरियड में तो आप देख ही नहीं सकते, पता नहीं कब आया क्या है. तो हेलीज कॉमेट ही हम देखते हैं, बाकी कॉमेट्स हमें नहीं दिखते.